हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल की। एसक्यूएल में क्या खास है, क्या सीखने वाले हैं, आइए आपको बताता हूं। यहां पर एक टेबल मैंने बनाया है, तो यहां पर कुछ कोड लिख करके ये टेबल मैंने बनाई है। अब ये जो टेबल बनाई है मैंने वो एसक्यूएल के कोड से बनाया है। हम अभी क्या करने वाले हैं, यहां पर देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है, आर कैपिटल है, ए एम स्मॉल में है, ठीक है। अब यहां पर मैं लिखता हूं लाइक वसीम, डब्ल्यू ए एस डबल ई और फिर लिखता हूं एम, तो ये पूरा कैपिटल में लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे लिखता हूं सचिन, एस ए सी एच और फिर आई फिर एम, ये भी पूरा कैपिटल में लिख दिया। हम चाहते हैं कि जो भी कैपिटल में लिखे हैं उसको ये स्मॉल में अपने आप कन्वर्ट कर दे, इसके लिए कोड लिखना है। तो क्रिएट पे चलते हैं, क्वेरी डिजाइन पे आते हैं और इसको यहां से क्लोज कर देते हैं। बाई डिफॉल्ट यहाँ पे एसक्यूएल पर क्लिक करने पर सेलेक्ट लिखा हुआ आ जाता है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ठीक है। अब एक बार इस टेबल को ध्यान से देखिए, इस टेबल में नेम ऑफ कस्टमर दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी की चीजें मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे नेम ऑफ कस्टमर क्या लिखेंगे, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर कस्टमर, इस तरीके से नेम ऑफ कस्टमर आपको लिख देना है, ठीक है। तो नेम ऑफ कस्टमर जैसे ही आप लिखेंगे यहां पर, तो फिर आपको ये बताना होगा, ये नेम ऑफ कस्टमर तो आपने लिख दिया, लेकिन इसी को तो हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो लोअर केस में जब कन्वर्ट करना है तो यहां पे कॉमा दे दीजिए, और कॉमा देने के बाद यहां पे लिख दीजिए एल कैपिटल लेटर्स में, और यहां पे लिखिए केस, ठीक है, इसी तरीके से। तो लोअर केस हो गया ये, और लोअर केस करने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करिए और यहां पर दे दीजिए कस्टमर नेम। तो ये कुछ इस तरीके से मैं दे देता हूं, कस्टमर नेम ऑफ कस्टमर है ना, तो नेम ऑफ कस्टमर यहां पे दे देते हैं, ये करते हैं नेम ऑफ कस्टमर। तो कुछ इस तरीके से नेम ऑफ कस्टमर हमने दे दिया है, देख ही सकते हैं आप, और फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद क्या करना है, क्लोज करने के बाद एंटर करके नीचे आना है और यहां पे कर दीजिए एज लोअर केस, क्या करेंगे लोअर केस, तो यहां पे लिख दीजिए लोअर केस, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया लोअर केस, और यहां पर मैं कर देता हूं कस्टमर नेम या नेम ऑफ कस्टमर कर देते हैं, जो भी लिखेंगे वो प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं कर देता हूं लोअर केस कस्टमर नेम या नेम ऑफ कस्टमर, कुछ भी करिए। तो यहां पर कर देता हूं मैं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर कस्टमर, ठीक है। इस तरीके से मैंने नेम ऑफ कस्टमर लिख दिया है, ठीक है। नेम ऑफ कस्टमर लिखने के बाद ये आएगा कहां से, फ्रॉम किस टेबल से आएगा, कस्टमर टी से आएगा ना, कस्टमर टी नाम से ही टेबल बना हुआ है, तो कस्टमर टी यहां पे बस लिख दीजिए, कस्टमर टी हो गया। अब आपको क्या करना है, कस्टमर टी लिखने के बाद यहां पे सेमीकोलन लगा देना है, ये काम हो गया है। अब हमें कहां जाना है, क्वेरी डिजाइन पे जाना है और यहां पर इसको रन करवाना है। रन करवाने के पहले इसको हम क्लोज कर देते हैं सेव करके, तो ये क्लोज कर दिया और ये कस्टमर वाला जो है इसको भी हम क्लोज कर देंगे। तो अभी यहाँ पे क्वेरी डिजाइन पे जाके इसको एक बार रन करवा देते हैं। तो जैसे ही रन करवाएंगे तो यहां पर देखिए जो चीज कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई है वो ऑटोमेटिकली स्मॉल लेटर में आ रही है, देख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ और भी कैपिटल लेटर में लिखते हैं, लाइक यहां पे लिखता हूं एक नाम एस यू आर ए बी एच आई, तो ये एक नाम लिख दिया हमने। अब यहां पे देखेंगे तो ये सब स्मॉल में हो गया अपने आप। तो ये वो कोड है जिसकी मदद से आप कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वो कोड है। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस मैं लेके आता रहूंगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करें जिसका नाम है लर्न विद सूरज सर। आपको वहां पर रीजनिंग मैथ से रिलेटेड और भी चीजें सीखने को मिलेंगी, शॉर्ट ट्रिक्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।